वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस इज हितेश हियर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी हो या फिर केस प्रेजेंटेशन ऑन मेनिया, दोनों में लगभग सेम ही रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा है आपको, अगर कोई गलती हो तो उसके बारे में भी बताना, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा लिख लेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जैसे कि नेम है, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस। इसके बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिखेंगे, भाई प्रेजेंट टाइम पर क्या समस्या देखने को मिल रही है पेशेंट के अंदर, ये प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट हो जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ट्रीटमेंट हिस्ट्री और पास्ट साइकाट्रिक और मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी। इसके बाद में हम पर्सनल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की पेरिनेटल हिस्ट्री हो जाएगी। सबसे पहले पेरिनेटल के अंदर तीनों हिस्ट्री आ जाएंगी, एंटरनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, ये चाइल्डहुड हिस्ट्री हो जाएगी पेशेंट की। चाइल्डहुड हिस्ट्री के बाद में एजुकेशन हिस्ट्री लिख लेंगे, भाई पेशेंट ने जो भी पढ़ाई चालू कब की थी, एज, जो पीयर ग्रुप था स्टूडेंट्स से उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी, टीचर के साथ कैसा रिलेशनशिप था, ये एजुकेशन हिस्ट्री में हो जाएगा। इसके बाद प्ले हिस्ट्री लिख लेंगे हम पेशेंट की। प्ले हिस्ट्री के बाद इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट अगर कोई थी तो वो लिख लेंगे, जैसे कि ड्रग अब्यूज वगैरह कुछ था क्या। इसके बाद में प्यूबर्टी के बारे में लिख लेंगे, प्यूबर्टी के बारे में जैसे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने साल की एज में सीन हुए थे और उससे रिलेटेड एनजाइटी वगैरह थी क्या। इसके बाद में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हिस्ट्री लिख लेंगे, ऑक्यूपेशन क्या करता है व्यक्ति, सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है प्रॉपर। इसके बाद में मैरिटल हिस्ट्री लिख लेंगे पेशेंट की, मैरिड है या अनमैरिड है। प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी लिख लेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की आईपीआर कैसा है, फैमिली और सोशल रिलेशन कैसा है, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है और प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है। इसके बाद में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लिख लेंगे। इसके बाद में जनरल एग्जामिनेशन कर लेंगे, जिसके अंदर की सबसे पहले वाइटल्स लिख लेंगे हम पेशेंट के, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी वगैरह। इसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो भी बाकी सिस्टम है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जनरल, अगर कुछ उनमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है तो उसको लिख लेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में हम मेंटल स्टेट से एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बारे में लिखेंगे, जिसके अंदर अपीयरेंस कैसा है, फेशियल अपीयरेंस कैसा है, लेवल ऑफ ग्रूमिंग, कपड़े वगैरह कैसे पहन रखे हैं उसने, कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है, ये जनरल चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद बिहेवियर, आई टू आई कॉन्टैक्ट, साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है, पोस्चर कैसा है, अदर मूवमेंट कैसा है, अदर कैटोनिक एक्टिविटी है कि नहीं है, हेलुसिनेटरी बिहेवियर तो नहीं है, ये चीज़ें लिख लेंगे। इसके बाद में हम स्पीच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इनिशिएशन कैसा है स्पीच का, रिएक्शन टाइम कैसा है, रेट कैसी है, रेट के बाद में प्रोडक्शन कैसा है, टोन कैसी है, लाउड है या फिर स्लो है। इसके बाद में मूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि प्लीजरेबल है, अनप्लीजरेबल है या फिर कोई अदर है, जैसे कि एनजाइटी, एपैथी, मूड स्विंग वगैरह, ठीक है। इसके बाद में थॉट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, जैसे फॉर्मेशन है, प्रोग्रेशन है, कंटेंट है, जो भी है उस पर टिक कर देंगे हम। इसके बाद में परसेप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे कि इल्यूजन वगैरह, हेलुसिनेशन वगैरह, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डीप पर्सनलाइजेशन, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में कॉग्निटिव फंक्शन लिख लेंगे पेशेंट के, जैसे कि कॉन्शियसनेस कैसा है, ओरिएंटेशन कैसा है, अटेंशन कैसा है, जजमेंट कैसा है, ठीक है। इसके बाद में मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, टाइप कैसा है मेमोरी का, इमीडिएट है, रिसेंट है, रिमोट है, मोटर एक्टिविटी कैसी है, हाइपर एक्टिव है, डिसएक्टिव है या फिर डिक्रीड एक्टिविटी है। इसके बाद में हम इनसाइट लिख लेंगे पेशेंट की, 1 to 6 point स्केल। इसके बाद में नीड ऑफ पेशेंट लिख लेंगे, भाई क्या क्या नीड है पेशेंट की जो हमको फुलफ़िल करनी है, ये नीड्स हो जाएंगी पेशेंट की। नीड्स के बाद में हम डिजीज डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे डिजीज़ का, इंट्रोडक्शन के बाद में डेफिनेशन लिख लेंगे, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं इनको। इसके बाद में इंसिडेंस लिख लेंगे, भाई इंसिडेंस रेट क्या रहती है इसकी मेनिया के होने की। इंसिडेंस के बाद एटियोलॉजी लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक और अकॉर्डिंग टू पेशेंट। एटियोलॉजी के बाद में हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू बुक और पेशेंट। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे हम, ठीक है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन क्या कर रहे हैं वो हो जाएगा। इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे हम, जिसके अंदर सबसे पहले असेसमेंट करेंगे हम, नर्सिंग असेसमेंट, और असेसमेंट के बाद में डायग्नोसिस बनाएंगे हम, नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके अकॉर्डिंग हम एनसीबी बनाने वाले हैं, ये नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे, ठीक है, कि हम एनसीबी बना लेंगे। सबसे पहला हो जाएगा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हेलुसिनेटरी बिहेवियर, या फिर रिस्क फॉर इंजरी का हो जाएगा हमारे रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन,
आप एनसीपी लिखने के लिए क्वालिटी हाई कर लें और वीडियो पोज करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला एनसीपी हो जाएगा हमारा, इसके बाद में सेकंड एनसीपी हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस का, इसके बाद में हम थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा सेल्फ केयर डेफिशिएट का, ये थर्ड एनसीपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये इसके बाद में फोर्थ एनसीपी हो जाएगा हमारा रिस्क फॉर वायलेंस सेल्फ डायरेक्टेड और अदर डायरेक्टेड, ठीक है। इसके बाद में नॉलेज डेफिशिएट का एनसीपी हो जाएगा एक हमारे, फिर हेल्थ एजुकेशन लिख लेंगे हम, जो भी पेशेंट को हम प्रोवाइड करवाएंगे ये हेल्थ एजुकेशन हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन के बाद में हम लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भई हमने जो भी डिजी डिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ली है, कौन कौन सी बुक का हमने रेफरेंस लिया है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको किसी टॉपिक विशेष पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।